देखो साइन 53 कॉस 37, कॉस 53 साइन 37, तो यहाँ दो एंगल हैं, एक 53 और एक 37। ज़रा देखो दोनों का सम 90 बन रहा है, बन रहा है। तो एक चीज़ डिसाइड करो कि या तो 53 को चेंज करोगे 37 को। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम 53 को चेंज करेंगे इसे और इसे। तो साइन 90 माइनस पड़ोसी, इसे ऐसे रहने दो, ऐसे इसे कॉस 90 माइनस पड़ोसी, इसे साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, और ये भी साइन थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर 37 और ये हो गया साइन स्क्वायर 37। हमने पढ़ रखा है क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा, एक और आ जाओ 70-20 कितना होगा 90। डिसाइड किया कि 70 को चेंज करेंगे, ठीक है। तो sec 90 माइनस 20 साइन 20 ऐसे रहने को, कॉस 20 ऐसे रहने, तो cos sec 90 माइनस 20। अब देखो sec 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, sec 90 माइनस थीटा इज cosec थीटा, तो sec 90 माइनस 20 कितना देगा cosec 20, और ये sin 20, ये cos 20, एंड cosec 90 माइनस थीटा कितना होता sec थीटा, है ना, तो ये कितना देगा sec 20। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्या ये पढ़ के आए हो, cosec थीटा को 1/sin साइन थीटा लिख सकते हैं, एंड sec थीटा को 1/cos कॉस थीटा पढ़ के आए, इसे क्या लिख सकते हैं 1/sin साइन 20 इंटू साइन 20 कॉस 20 1/cos कॉस 20, तो कितना आ गया 1+1 कितना हो गया, क्वेश्चन खत्म, बस इतना सा काम था।